हे गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। मेरा नाम है काजिम और मैं वीडियोस बनाता हूं होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड। गाइस आज किस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं दीवान आईएचएम को। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या इस साल दीवान आईएचएम में एडमिशन लेना सही रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि 2021 में दीवान आईएचएम में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दीवान कॉलेज वैसे तो आज से 25 साल पहले इस्टेब्लिश हो चुका था, बट होटल मैनेजमेंट का कोर्स यहाँ पे 2009 में लाया गया, मतलब आज से 12-13 साल पहले से यहाँ पे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई भी कराई जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्स भी होते हैं, आप बीएससी कर सकते हो, आप बीएचएम सिटी कर सकते हो, इसके अलावा आप डिप्लोमा भी कर सकते हो। अगर आप बीएससी एचएचए करोगे तो 3 साल का कोर्स होगा, जिसकी कोर्स फी पड़ेगी अराउंड 260,000 रुपये, और अगर आप बीएचएम सिटी करोगे तो लगभग 2 लाख से 2 लाख 10 हज़ार के बीच में आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा कि कितनी फीस अभी है। इसके अलावा यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स भी होता है, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग, डिप्लोमा इन F&B सर्विस। और गाइस अगर दीवान आईएचएम के एफिलिएशंस की बात की जाए तो दीवान आईएचएम AICTE से अप्रूव्ड है न्यू दिल्ली, और इसका एफिलिएशन NCHM सिटी नोएडा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से है। और अगर ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की बात की जाए तो इस कॉलेज का ट्रेनिंग और प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे पहले जो बैचेस पास आउट हुए हैं वो लोग इंडिया के बाहर में जॉब कर रहे हैं, अच्छे कंट्री में जॉब कर रहे हैं, जैसे सिंगापुर है, UK है, फ्रांस है, इन सारी जगहों पे वो लोग काम कर रहे हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग इंडिया में भी काम कर रहे हैं, लाइक ताज होटल में, मैरियट में, तो यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ फोटोज़ देखने को मिलेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर लैब्स की बात की जाए तो कंप्यूटर का लैब अलग है, फूड प्रोडक्शन के लिए आपका किचन है, हाउसकीपिंग के लिए अलग लैब है, फ्रंट ऑफिस के लिए अलग लैब है, F&B सर्विस के लिए अलग लैब है, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मैं क्रूज़ में काम करूँ, तो अगर आप दीवान आईएचएम एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे आप क्रूज़ में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इस कॉलेज से ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे क्रूज़ में जॉब कर रहे हैं।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर किसी और कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका रिव्यू करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।